आपकी और नाइल की मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी ना कि आप दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। भले आप दूर दूर हैं लेकिन है तो साथ ही ना। मुझे आपसे माफी मांगनी थी। कम से कम नाइल ने तो सारी जगह देख ही ली होंगी, है ना? ऑलमोस्ट सारी जगह देख ली है उसने। ओके आर्यन, मुझे आपसे माफी मांगनी थी। किस बात की? वो आपकी बर्थडे पे पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, मुझे वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए। एक्चुअली वो सब कुछ मेरे बस में नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कम ऑन शेरबाना, इंसान जब किसी की मोहब्बत में पागल हो जाता है ना तो उसको खुद पे इख्तियार नहीं रहता, उसकी ज़बान से काबू में नहीं होती। मेरे साथ भी शायद उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था, नहीं था मुझे अपने ऊपर इख्तियार। अब मुझे लगता है कि आपने जो किया ठीक किया, मैं यही डिज़र्व करता था। आपकी और नाइल की मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी ना कि आप दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। भले आप दूर दूर हैं लेकिन है तो साथ ही ना। मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो चाहें वो पा भी। Excuse me, मेरी कॉल आ गई, मैं एक फोन। श्योर, नाइल की है। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो शेरी, कैसी हो तुम? मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में सब ठीक है ना? मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ, मैं बाहर हूँ कहीं। हाँ हाँ, घर में सब खैरियत है। तुम एक काम करो, तुम अपना टाइम लो, बाद में आराम से बात करेंगे, ठीक है? बाय। ओके, बाय ऑफिस। हो गई तुम्हारी से बात? जी हो गई। बताया उसको क्या मेरे साथ है? हाँ, इसीलिए तो बात जल्दी खत्म हो गई। आई थिंक वी शुड एक्सचेंज नंबर्स। तुम्हारा नंबर क्या दोगी? हाँ मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? क्यों नहीं, मतलब परदेश में हूँ यार, जरूरत पड़ सकती है, कोई काम हो सकता है। आप मुझे अपना नंबर दे दें, जरूरत हुई तो मैं कॉल कर लूंगी आपको। ओके लो, ये लो। थैंक यू। तुम यहाँ करीबी रहती हो क्या? हाँ पास में ही है अपार्टमेंट मेरा। ग्रेट, मेरे होटल भी करीब है। ठीक है, अब मुझे इजाज़त है, मैं चलती हूँ, देर हो गई है। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और फिर उसके बाद जॉब पे भी। हाँ सुबह तुम्हारी जॉब भी है, आई थिंक शुड गो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम? नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। दिल का क्या करें, बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।